इस चीज को आप ध्यान दे के रखो कि ये जमाना किसी का है न रहा न रहेगा। ठीक है, ये नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि ठंडी जो है वो अपने कगार पर एकदम सर पर खड़ी है इस तरीके से, और फिर भी सैनिक जो है वो एक साल होने वाला है, यहाँ जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, चारों जितने भी मौसम होते हैं ठंडी गर्मी बरसात सब वो देख रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो है एक बड़ी मीटिंग थी 21 जनवरी 2024 को, लेकिन क्या हुआ उस मीटिंग को, क्या वो मीटिंग हुई है या फिर कैंसिल हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कुछ लोगों का ये कहना है, दो गुटों की बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ कह रहे मीटिंग हो गई है, कुछ कह रहे मीटिंग नहीं हुआ। तो ऐसे में हमारे साथ जो है सर, हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर क्या हुई, क्या मीटिंग हुई है या फिर वो कैंसिल हो गई है? ऐसा मैम, सबसे पहले तो आपको जय हिंद। मैम, ये जो आज मीटिंग थी ये मीटिंग चालू है, लेकिन आपको जगह अभी इस टाइम जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ चल रही है, लेकिन मीटिंग हमारी चल रही है। गुप्त मीटिंग रख दी गई? गुप्त मीटिंग तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जिस तरह से सिचुएशन अभी बनी हुई है 26 जनवरी के, उसमें तो यहाँ का जो जंतर मंतर का जो हिसाब किताब था उसको हम थोड़ी सी दूसरी जगह लेके चले गए। तो क्या मतलब जंतर मंतर छोड़ देंगे आप लोग? नहीं, जंतर मंतर अभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देखो आज कोई है नहीं, हमको कोई दिख नहीं रहा अभी। मैम थे थोड़ी सी देर पहले, लेकिन जो है ना डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा ऑर्डर था कि जो है ना यहाँ की सिचुएशन आप देख रहे हो, हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हो, फील्ड में काम करते हो, तो आप इसको अच्छी तरह देखो कि अभी एक साल होने वाला है, तो हम भी डिपार्टमेंट के साथ ये नहीं लगाएंगे कि जो है ना कि ये सब ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 26 जनवरी का बहाना लेकर के आपको पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए? ऐसा नियम है बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये तो 2-3 दिन की बात कई है। कई बार हटाने की कोशिश की गई, कोशिश भी किया था, लेकिन वो कंटिन्यू आप देख रहे हो लगातार पिछले फरवरी से लेके, और अभी फरवरी आने वाला है, लगभग एक साल हो जाएगा, तो ये जंतर मंतर पर कंटिन्यू रहेगा। एक साल में पता नहीं कितनी मीटिंग जो है वो हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस मीटिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर ये भी जो है उसी लिस्ट में एक बार फिर से शामिल हो जाएगी ये मीटिंग? मैम मीटिंग तो देखो अभी चल रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जो मांग थी गवर्नमेंट से, मैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वन रैंक वन पेंशन मैम, वन रैंक वन पेंशन जो है ना, जब रेवाड़ी के अंदर जो रैली हुई थी उस टाइम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे, और हमारे सैनिक भाइयों ने जो है ना बहुत ही अच्छे जो है ना उनको सपोर्ट किया था मैम। तो हमने, हमारा मकसद ये नहीं था कि उस टाइम पर ओआरओपी के ऊपर काफ़ी पैसा गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने दिया है, कभी 35,800 करोड़ रुपये बोला लगाए हैं, उसके बाद 90 करोड़, ये जो भी था 90,000 करोड़, इतना पैसा जो है ना दे दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा है ये पैसा क्या कहाँ है? देखिए 3% जो है ना यहाँ पर ऑफिसर्स हैं और 97% जेसीओ जवार हैं, तो जो पैसे की जो बाट हुई थी मैम उसमें क्या बंदर बाट हुई है? 97 का पैसा 3% को दिया गया, 3% 97 का, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओआरओपी की, अभी भी मैं सिंपल भाषा में ये समझाना चाह रहा हूँ मैम कि हमारी मांगे ये थी कि देखो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के जो है ना आदमी, सेना में चाहे एयरफोर्स में हो चाहे नेवी में हो चाहे अपने आर्मी में हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के आदमी जो है ना नौकरी करते हैं वहाँ पर। बात ये थी कि जो अगर मान लो एक कोई भी एक हवलदार है, मान लो हवलदार इक्विवेलेंट ग्रेड का है, चाहे आर्मी में हो चाहे एयरफोर्स में हो चाहे आपका कहीं भी हो, अगर वो रिटायर हो, जब तक ही यहाँ थे, कोई एक्स ग्रुप में था, कोई वाई में था, कोई जेड ग्रुप में था, जब ये इतने यहाँ जब नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, तो बात ठीक है, उनको जो जिसका ग्रेड है, जिस अपॉइंटमेंट से जिस काम कर रहे थे, ठीक है। बट हमारी मांग ये थी अगर हम यहाँ से चले गए और रिटायर हो गए मान लो, तो रिटायरमेंट के बाद उसको मेन हमारी डिमांड ये थी कि अगर एक हवलदार रैंक का आदमी है तो यही तो था हमारा ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन, हमारा यही तो था भाई। ठीक है, हमारा चाहे कोई भी बेचारा, चाहे टेलर भी हो चाहे सफाई वाला भी हो चाहे कोई इंजीनियर का भी काम कर रहा था, लेकिन था तो वो हवलदार ही ना। जब हम यहाँ से चले गए मान लो, और उसके बाद तो वन रैंक वन पेंशन का हो गया था, यही हमारी मांग थी। और मैम दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हम गरीबों को जो है ना उठा रहे हैं, तो जब जब ये पे लेवल की जब बात आई थी, तो हमारे को आप ये सोचिए कि पे लेवल में एक लेवल ऐसा कि वहाँ पर 2.57 से फैक्टर से उसको दिया गया, और एक को 2.81 से दिया गया था, यानी जिसका पे ज़्यादा था मान लो उसको तो 2.81 दे दिया, तो वो जहाँ पर उसका पे था उससे भी वो उसको और ऊपर उठा दिया, और जिसका पे था नीचे था उसका 2.57 फैक्टर दिया गया है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, तो इस चीज़ को देखना चाहिए था कि अगर भेदभाव, बहुत ज़्यादा भेदभाव, 2.57 से 2.81 में दिया, तो यानी जिसका जो अमीर था वो अमीर से और ऊपर चला गया, और जो गरीब था उसको 2.57 देके उसको और नीचे। कहीं ऐसा तो ये अगर
एक लाइन में कहें तो अमीर जो है वो और अमीर हो गया और गरीब और गरीब, गरीब और गरीब नीचे चलाएगा। दूसरा एक चीज और देखिए मैम, अगर मान लो 2.81 वाला था और वो मान लो अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए जाता है और एक जो 2.57 वाला था मान लो वो जो पेट्रोल पंप पे जाता है, तो क्या वो पेट्रोल पंप वाले को ये पता है कि ये 2.81 वाला ये 2.57 वाला? पैसे तो बराबर, पैसे तो बराबर है, पैसे तो वहां भी बराबर है ना। तो और उस पे जो महंगाई की मार है, जो गरीब है उसको और नीचे गरीब दिखा दिया और जो अमीर था उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको तो 2.81 दे दिया है। रही बात मैम दूसरा मान लो अलाउंसेज की बात है, अगर मान लो एक जवान या ऑफिसर या जैसे कहीं भी जाता है, चाहे हाईल्टी की बात मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मान लो हम ग्लेशियर में जाते हैं सपोज, ग्लेशियर में अगर जाते हैं मान लो, तो जेसीओ ओआर का तो उसका अलाउंसेज अलग है और ऑफिसर का अलाउंसेज अलग है, लेकिन ये भेदभाव है। अगर एक स्टेशन के अंदर जाते हैं तो उसको चलो बेसिक पे ऑफिसर है कमीशन लेके, अच्छी बात है, हम ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, बट अगर मान लो अलाउंसेज बराबर हैं तो अलाउंसेज सारे अगर विद इन स्टेशन एक जोन होना चाहिए, उसके अंदर जो भी वहां पर जाएगा तो उसका वही होना चाहिए, उसका सेम अलाउंसेज होना चाहिए, मेन हमारी डिमांड ये है मैम। दूसरा एक चीज आप देखो, अगर मान लो किसी अभी हालांकि अभी देखो कुछ दिन पहले जो है ना हमारे इनकाउंटर हुआ था, गोली तो वो खाते हैं ना मैम, मेन मुद्दा हमारा ये था कि एमएसपी का तो कहीं तो ये नहीं था कि एक ऑफिसर को 15,500 है और जेसीओ द्वार को जो है ना 5200 रुपए है और एमएनएस जो है ना हमेशा हॉस्पिटल में काम करती हैं वो एमएनएस जो है मैम उनको 10,400, तो ये तो जस्टिस नहीं है ना। जो सीने पे गोली खा रहे हैं उसको तो 5200 रुपए एमएसपी दे रहे हैं और जो एसी के अंदर रहते हैं या गाड़ी गुड़ी में घूम घाम के इधर आगे उसको 15,500 रुपए है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो उनके साथ अच्छा नहीं वो हो रहा है, अन्याय किया, गवर्नमेंट जो है अन्याय कर रही है मैम इसके ऊपर। तो हमारी मांग ये है कि ये देखो गवर्नमेंट जो है ना अभी ये सिंह फसान का काम कर रही है हमारे आने वाले समय के लिए। अगर मोदी जी हम आपके खिलाफ नहीं है, मैं भी कट्टर जो है ना बीजेपी का था, रेवाड़ी में जब आपने उधर वो बोला था उस टाइम हम आपकी रैली में आए थे और हमने बोला था, मैम इससे पहले जो है ना मेजर जनरल सतवीर साहब थे उस टाइम पर यहीं पर आज से पहले हुआ था, लेकिन जनरल सतवीर साहब ने जो है ना क्या किया कि जो है ना हमारी भीड़ देखे और जब ये बंदरबाट हुई उस टाइम पर जो अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि जो एमएसपी जो है ना एक जैसा होना चाहिए सभी, चाहे जेसीओ जो हो चाहे जो ओआर हो कोई भी हो, तो उस टाइम अगर एमएसपी इक्वल हो जाए तो ये विरोधाभास नहीं होता। मेन मुद्दा एमएसपी ने जो है ना पूरा सेना के अंदर मैम इतना भ्रष्टाचार कर दिया है, चाहे नेवी का हो चाहे कोई भी हो। और दूसरा मैम बेल्ट की नौकरी कोई भी लगाता है तो एमएसपी चाहे सीआरपीएफ वाले हो चाहे कोई भी हो चाहे बीएसएफ का चाहे कोई भी हो, अगर कोई बेल्ट की नौकरी लगा रहा है मान लो तो उसके लिए एमएसपी होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए एमएसपी। तो लेकिन दो बेचारे चाहे दिल्ली वाले हों, दिल्ली पुलिस के हों, चाहिए बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जितने भी हैं, उनको एमएसपी से अलग कर दिया, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है मैम। अच्छा एक चीज और कही जा रही थी कि 75 साल के जो है वो प्रगट सिंह हैं, तो वो जो है वो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई? मैम देखो चुनाव लड़ना तो अपने हर कैंडिडेट का अपना अपना वो अपना डिसीजन होता है, लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सैनिकों से, अभी जो सैनिक है वो मुद्दे से मत भटको, आप इलेक्शन को अगर इस एक साल से अगर आपने इलेक्शन को चलाया, अभी आपने इसको अगर धरना चलाया है और अगर आप मान लो उसको वहां पर इलेक्शन की तरफ इसको लेके जा रहे हो तो ये आपका पर्सनल व्यूज हो जाएगा। अभी आपने अपने मुद्दे पर रहना चाहिए, सभी सैनिक भाइयों से मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने मुद्दे पर रहो, मुद्दे पर कामयाब रहो और जो है ना सैन्य जो है ना उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना चाहिए कि जो आज हमारे जो एक साल का जो था अभी हमारे को कुछ रिजल्ट मिलने वाला था, अभी हर आदमी अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, मैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये इलेक्शन अपना इलेक्शन जो करना करो, लेकिन उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आप जो है ना अपने मुद्दे के ऊपर रहो और ये जो है ना आपके लिए ही फायदा रहेगा। एक सवाल और, यहाँ पर जो लोग बैठे थे वो अगर कहीं बैठे हुए हैं और जो मीटिंग हुई तो क्या मतलब उस मीटिंग का परिणाम क्या आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम अभी ये मीटिंग जो चल रही है ना उसका थोड़ी सी देर के बाद आपको जो है ना उसके बाद आपको उसका बताएंगे उसके ऊपर कि अभी क्या अभी थोड़ा सा उसके ऊपर और टाइम लगेगा मैम। ठीक है तो मैम ये आप लोगों का एक जो एक हमारा जो आप लोगों का मीडिया का जो है आप लोगों ने बहुत हमारे कोऑपरेट किया है और बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारे को दुख इस चीज़ का होता है कि जो चौथा पिलर है जो फोर्थ पिलर बोलते हैं जिसको, उसने नेशनल मीडिया ने कभी भी इसको उजागर नहीं किया है
और इस चीज से बहुत बड़ा दुख होता है। अभी हमारे देखो, मैं तो एक लास्ट में एक गाना का कि खत्म करना चाहूंगा मैम, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, चाहे हमारे जनरल साहब हो, चाहे अपने एयर मार्शल साहब हो, चाहे एडमिरल साहब हो, चाहे CDS साहब हो। अगर 1 साल से अगर मान लीजिए ये सैनिक जो है ना यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी जो है ना, मैं यहाँ पर जो है ना, मैं सेना से सबसे बड़े रैंक से अपने रिटायरमेंट हुआ हूँ मान लो, और मैंने ये देखा है कि मैं सिपाही से लास्ट सूबेदार में रिटायर हुआ। मैंने भी बहुत कुछ देखा है कि कितने कितना क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये अभी जो अपने उच्च पद पर उच्च बैठी पद हुई। पर जो बैठे हैं और ये सैनिक आपसे जो है ना बहुत नज़दीक बैठे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दे के रखो कि ये जमाना किसी का है न रहा न रहेगा। ये जो टाइम है, जो समय है, ये बदलता है, और जब इसका चक्र चलता है तो हर वो उस व्यक्ति के पास, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और ये टाइम किसी सबसे समय की जो है वो सबसे खास बात ये है कि ये किसी एक के पास नहीं रुकता है, ये घूमता, ये जो चक्र है ये घूमता रहता है। तो बेसिकली सर का कहना है कि आज जब ये यहाँ 1 साल से बैठे हुए हैं, तो इनकी राय है, इनके सैनिकों को, कि अभी आप चुनाव मत लड़िए। अगर आपने 1 साल तक अपना धरना चला रखा है, इतनी मेहनत आपने की है, तो प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। आगे जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे की जो हमारी नीति होगी, जो आगे की रणनीति होगी, उसको लेकर के कि हमारा ये धरना जो है वो सफल हो, और 1 साल का जो हमारा पिछला संघर्ष रहा ओआरओपी के लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए, वो पूरी तरीके से सफल हो।